देखिए ये इंडस्ट्री क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इंडस्ट्री क्या है ये आपको अच्छी तरह समझना है बिकॉज जब तक ये इंडस्ट्री को आप नहीं समझ समझ पाएंगे तब तक इस यहाँ पे आपका करियर नहीं होगा कोई भी चीज जब तक अच्छी नहीं लगती है तब तक वहां इंटरेस्ट नहीं आता है और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पैशन नहीं होगा और पैशन नहीं आएगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा सो so, सबसे पहले दो मिनट में इस इंडस्ट्री के बारे में बोलना चाहूंगा ये डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली क्या है सो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे सबसे पहले देखेंगे अबाउट डायरेक्ट सेलिंग देखिये मैंने बताया कि मैं जो बेसिक है थोड़ा बोलना चाहूंगा उसके बाद हम मेन पार्ट में जाएंगे तो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या है तो डायरेक्ट सेलिंग अगर देखा जाए तो इन वन सेंटेंस ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम है देखिए बहुत सारे लोग हैं शायद उनको ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम है लेकिन बहुत सारे गेस्ट है आज जो प्रेशर है किसी ने तो उसको बुलाया शायद वो तो जॉब कर रहे हैं छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो इनके लिए ये समझना जरूरी है

फैक्ट्री कॉस्ट है थर्टी परसेंट लेकिन ये फैक्ट्री से हमारे घर में नहीं आता है डिस्ट्रीब्यूटर डीलर होलसेलर रिटेलर यहाँ पे फिफ्टी परसेंट अमाउंट बढ़ता है और ट्वेंटी परसेंट कंपनी का प्रॉफिट होता है मतलब आपको एवरेज देखना है कि जो भी चीज आप खरीदते इसका फॉर्मूला है थर्टी फिफ्टी ट्वेंटी फिफ्टी परसेंट गया कहा तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया जिन्होंने पैसा लगाया दुकान डालने के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए उनको फिफ्टी अमाउंट बढ़ा मतलब अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करना इनकम करना है

हम कौन है तो कंज्यूमर है हम यूज करते हैं रिकमेंड करते हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हमें डीलर हमें होलसेलर हमें रिटेलर हमें उनका काम हम करते हैं इसीलिए हमें मिलता है बेसिक तो बेसिक फर्क क्या है तो बेसिक फर्क कि ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम है या विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसा कमाया जा सकता है ट्रेडिशनल मार्केट में विदाउट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट करके ही पैसा कमाया जा सकता है तो मार्केट सिस्टम में सिक्वेंस में तो कोई प्रॉब्लम है लेकिन ये मार्केट इंडिया में बत, आया कब तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे तो ये डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री ये चालू हुआ अमेरिका में आज से सेवेंटी फाइव इिफोर में अमेरिका में बेसिकली कैलिफोर्निया में चालू हुआ लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में जो डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड पूरे में इंडस्ट्री है जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वहां इसके लिए कानून है और आज पूरे वर्ल्ड में ये डायरेक्ट सेलिंग ग्रोविंग इंडस्ट्री बनने वाला है इसका बहुत सारा डेटा है जब आप जुड़ते तो ये ट्रेनिंग में सब कुछ नॉलेज आपको मिल जाता है अब ये इंडिया में कब आया डायरेक्ट सेलिंग इन इंडियन सीनियर इंडिया में आया नाइनटीन नाइनटी सिक्स में तो मैं रिपीट करूंगा ये जो मैं

अगर शायद आप इस इंडस्ट्री में फ्रेश है तो आप जुट जाएंगे काम करने जाएंगे कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसको बैड एक्सपीरियंस है वो आपको बोलेंगे अरे ऐसा तरह कंपनी तो मैंने पहले ज्वाइन किया था लेकिन वो कंपनी भाग गई मेरा पैसा डूब गया ऐसा हो सकता है क्या इस हो सकता है मुझे भी ऐसे लोग मिले लेकिन मैं इस इंडस्ट्री को समझा था कि ये इंडिया में बदनाम क्यों हुआ बिकॉज यहाँ कानून नहीं थे देखो आज पूरे वर्ल्ड में ग्रोविंग इंडस्ट्री है जितनी भी डेवलप कंट्रीज है आज वर्ल्ड की फोर्टी कंट्री वहाँ कानून है डायरेक्ट सेलिंग में जो भी कंपनी आप काम करती है उसका प्रोडक्ट खुद का होना चाहिए वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए ओन मैन्युफैक्चर होना चाहिए इंडिया में लॉ नहीं थे इसलिए इंडिया में क्या हुआ नाइन्टी सिक्स में कुछ मल्टीनेशनल कंपनी आई है उसको देख के यहाँ पे आम लोगों ने कंपनी बनाई यहाँ कोई लॉ नहीं थे लोग किसने कंपनी बनाए तो जिसका पट्टी का दुकान था उसने भी कंपनी बनाई

यहाँ गेस्ट है दे नो वेरी वेल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग तो आप बोलेंगे सर ये हमको मालूम है करना क्या आपको 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 हम आपको, आप हमको बताइए लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे शायद उसको इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं कोई तो उनको या इनवाइट किया इसलिए ये मुझे समझाना जरूरी है तो मेरा कहने का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम है ये कोई चेन नहीं ये कोई मार्केट ये कोई यह, इन्वेस्टमेंट का या फसाने वाला वा बिजनेस नहीं और ये वर्ड का ग्रोविंग इंडस्ट्री है ये इंडिया में बदनाम इसीलिए हुआ बिकॉज लॉ नहीं थे लेकिन लॉ बन गए अभी जो भी कंपनियां रहेगी अच्छी रहेगी वो ये इंडस्ट्री यहाँ ग्रो करेगी ओके सो नाउ ये काम करने के लिए जो भी लोग यहाँ हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस है हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें नॉलेज चाहिए और कुछ नहीं देखो दिस इज माई फर्स्ट कंपनी मैंने कभी नेटवर्क नहीं किया लेकिन मैंने इसको समझा और अच्छा समझ के लोगों को समझाया तो मैं आज आपको बोलना बोल रहा बोल रहा हूं अभी तक लॉ नहीं थे बहुत सारी कंपनियां थी लेकिन कौन से कंपनियां को काम करना तो ये आपको खुद को सर्च करना है देखिए यहाँ हर डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज का एरा ये इंटरनेट का एरा है मैं हमेशा बोलता हूँ दिखाओ पे मत जाओ तो डिजिटल आज कंप्यूटर का एरा है इंटरनेट का एरा है तो कौन से कौन से कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स है या कौन से कंपनी में काम करना चाहिए कौन सी कंपनियां रहेगी कौन सी कंपनियां नहीं रहेगी इस लॉ को लागू होने के बाद इस कानून को लागू होने के बाद ये कहां पे चेक कर रही तो ये वेबसाइट में आपको यहाँ बोल रहा हूँ एमसीए डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एमसीए डॉट जीओवी डॉट इन ये वेबसाइट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट है अगर कोई भी कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है या नहीं है ये अगर चेक करना है एक एमसीए में जाइए देखिए मार्केट में जितनी भी कंपनियां खुद का प्रोडक्ट है या नहीं देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट के लॉ में लिखा है खुद का प्रोडक्ट रहने वाली कंपनी ही चलेगी तो मैं आपको बोल रहा हूँ जब गाइडलाइन आए तो ऑल इंडिया से अबाउट साढ़े चार सौ पांच सौ कंपनी डॉक्यूमेंट जमा किया उन्होंने बोला कि हम लॉ को फॉलो करेंगे हम खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे बनाएंगे ऐसा बोला था लेकिन अभी ये लॉ इस महीने से मतलब स्कूटी हो रहा है आने वाले कुछ महीनों में लागू हो जाएंगे तो कितनी कंपनियां रहेगी ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ बता नहीं रहा हूँ कहा से क्रॉस चेक करना ये भी सिखा रहा हूँ ये वेबसाइट है ये वेबसाइट को कभी भूलना नहीं कौन क्या बोलता है कौन आदमी कोई कंपनी के बारे में क्या बोलता है वो सुनना नहीं है इस कंपनी का पूरा कुंडली आपको इस वेबसाइट में मिलेगा डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एमसीए डॉट जीओवी डॉट इन तो कोई भी कंपनी कितनी कंपनी के पास खुद का प्रोडक्ट है मार्केट में जो भी कंपनी आज चल रही है उसका प्रोडक्ट को उठाई इस प्रोडक्ट पे दो चीजें लिखी है एक लिखा है मैन्युफैक्चर बाय एक लिखा है मार्केटेड बाय बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है मैन्युफैक्चर कौन कंपनी कर रही है और मार्केटिंग कौन कंपनी कर रही है दोनों कंपनी का नाम को आपको एमसीए के वेबसाइट में दिया जैसा मैंने नाम दिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड तो कंपनी डायरेक्टर दिखते वैसा हर कंपनी के डायरेक्टर आपको एमसीए के वेबसाइट में मिलते हैं अगर आपने मैन्युफैक्चर और मार्केटेड ये दोनों कंपनी का नाम एमसीए में दिया दोनों कंपनी का अगर ओनर एक तो खुद का प्रोडक्ट आप चेक कंपनी इंडिया में, में लॉ नहीं थे किसने कंपनी बनाई मैंने बताया जो उठा उसने कंपनी बनाई इसलिए मार्केट बदनाम हुआ लेकिन ये चलने वाला नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट ने देखा कि पूरे वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही लेकिन इंडिया में बदनाम हो रही बहुत सारे देश है पूरे दुनिया में जिसका बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस ने दूर कर दिया लेकिन इंडिया में इसलिए इसलिए बदनाम हुआ गवर्नमेंट ने भी इसके लिए गाइडलाइन बनाए और आज पर दिस नॉर्म्स कंपनी इस सिस्टम में नहीं रहेगी मैं नहीं बोल रहा हूँ आप क्रॉस चेक कर सकते टेन परसेंट कंपनी जिसके पास कुछ प्रोडक्ट्स है बट आज हम प्राउड की बात बोल रहे हैं कि नेटसर एक लीडिंग कंपनी है जिसके पास पूरे प्रोडक्ट खुद के एज पर दिस नॉम नेटसर लीडिंग कंपनी इंडिया अभी सिर्फ खुद के नहीं तो नेटसली वन इंडियन कंपनी बहुत है मुझे ओनली वन इंडियन कंपनी जो खुद के प्रोडक्ट तो बनाती है लेकिन वर्ल्ड क्लास बनाती है वी आर द ओनली वन इंडियन कंपनी जिन्होंने हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये यूएस में लॉन्च किया इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा है वही प्रोडक्ट अमेरिका में जा रहा है कोई भी बोलेगा अगर तो मुझे एक कंपनी इंडियन इंडियन दिखाई

तो वहां पे कंपनी डायरेक्टर दिखते डायरेक्टर नाम पे क्लिक करेंगे और, और कितने कंपनी के ओनर जैसा आप एमसी में जाएंगे सोलह कंपनी के ओनर है इज अफ ट्वेल्व कंपनीज जो भी कंपनी का लिस्ट आएगा उस लिस्ट में कोई भी कंपनी में क्लिक करेंगे तो कंपनी का कैपिटल कितना पैसा लगा के कंपनी चालू हुआ है उसका एसेट मतलब हर साल का कितना टर्नओवर हो रहा दिखता है मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूं? अगर आपको कोई भी कंपनी में काम करना है उस डायरेक्टर का, तो का बैकग्राउंड कि उनका कोई बिजनेस नहीं है कोई तो कंपनी में काम किया था 20-25 लाख कमा लिया था कहां से प्रोडक्ट का जुगाड़ कर दिया जुगाड़ मतलब जो मिला वो ले लिया क्वालिटी क्या है वो बाद में देखा जाए नाम के लिए प्रोडक्ट और कंपनी चालू की ऐसी इंडिया में कंपनी थी लेकिन ये नहीं चलेगा सो एज पर दिस नॉर्म्स वी आर द लीडिंग कंपनी तो कोई भी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल बेस आप एमसीए में देख सकते हैं हम आगे जाएंगे नेट्सअप के बारे में बोलूंगा एक बहुत बड़ा ग्रुप है कॉर्पोरेट ग्रुप है मिस्टर संजय मालवान इज अ ग्रैंडसन ऑफ बिरला बिरलास डॉटर सन अब ये सिर्फ मैं रिलेशन ही तो आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती पूरे है पूरे वर्ल्ड में बेचती है नॉर्थ अमेरिका में कनाडा में अमेरिकन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिया था मैं रिपीट करूंगा नेटवर्क में कंपनी तो पूरे दुनिया में सॉफ्टवेयर बेचती है नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी को बना के दे, मतलग, ने देखा पे? तो अमेरिका में देखा जब 96 में बाहरी कंपनी इंडिया में आई तो नेटसम ने देखा कि हम इंडियन है हम पूरे दुनिया को सेलिंग कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे, दे रहे और बाहरी कंपनी में आज यहाँ आके बिजनेस करिए नेटसम ने देखा कि पूरे विश्व का पॉपुलेशन साढ़े सात सौ करोड़ इंडिया का चाइना का अलग करेंगे तो आधी दुनिया दो कंट्री में रहती है तो नेटसम देखा क्यों ना हम डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे क्योंकि हमारा एक खुद का मार्केट है और हम तो पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे दो तो हजार में आज से बीस साल पहले नेट्सअप ने इस डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा लेकिन दो बीस साल पहले नेटसप ने सपना देखा कि वन डे वी विल द नंबर वन कंपनी इन द वर्ल्ड बिकॉज के पास टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर है तो नेटसएप का पहला ताकत है सॉफ्टवेयर देखो मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं मैं हर चीज का आपको प्रूफ दूंगा मैंने बताया कि नेटसएप इस सॉफ्टवेयर में पूरी दुनिया में यूनिक कंपनी है उसका मैं प्रूफ दूंगा कि की सॉफ्टवेयर बनाती पूरे वर्ल्ड में बेचती है हर साल जो वर्ल्ड में अच्छा सॉफ्टवेयर बनता है उसको अवार्ड मिलता है अमेरिका से तो नेटसप के एक सॉफ्टवेयर है एमएसएम मेवरी सिक्योर मोबाइल

अगर एमसी में देंगे तो कंपनी डायरेक्टर दिखता है तो नेटसएप का एक आर एन जिसका नाम है माई लैब मैं स्पेलिंग बता रहा हूँ ताकि आप चेक कर सकते हैं एम वाई एल ए बी माई लैब आप अगर एमसी में देंगे माई लैब का नाम तो वहां पे डायरेक्टर है मिस्टर सुजीत सर है मतलब का ही कंपनी है तो माई लैब क्या मैं बोलना चाहूंगा जो ने, नेटसप का आर एंड डिपार्टमेंट नेटस के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है नेटसएप के लिए प्रोडक्ट बनाता है

ICMR ने एक ही कंपनी को परमिशन दिया जो है Netsub का में क्यों बता भी, के पास टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है और क्लास जो कोई नहीं बना सकता इसलिए आज नेटसप दुनिया का नंबर वन कंपनी बनने का सपना देख रहा है मतलब जो कंपनी खुद का प्रोडक्ट नहीं बना सकती है वो कंपनी नहीं रहेगी ने नेटसप ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती बनाती है जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है तो मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा ओके okay, तो के बारे बताया जस्ट जस मैं आगे जाऊंगा मेन पार्ट में देखो यहाँ पे दो मेन पार्ट है एक है इंडस्ट्री के बारे जस्ट बताया मैंने कंपनी uh, के बारे में बताया अभी हम जाएंगे बिजनेस प्लान पे अभी नेटस के प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया कि इज बिजनेस ऑफ पीपल इज नॉट पे जो प्रोडक्ट है पहला एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है सेकंड केयर न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट फॉर मेन चिल्ड्रन वुमेन

कंपनियां गायब हो जाएगी, जो भी कंपनियां दस परसेंट उसमें हम, हम अच्छे। सिर्फ अच्छे नहीं बोलूंगा तो बोलूंगा ऐसे सेवन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यूनिक मतलब चैलेंज देके बोल रहा हूं आप भी किसी को चैलेंज देके बोल सकते कि ये नेट्सअप में ही है अगर कोई बोलेगा ना ना यहाँ कोई तो कंपनी में है मैं बोलता हूँ कि मेरे से बात करवाइए मैं देखना चाहता हूं आज तक ना कोई दिखा पाया ना कोई दिखा पाएगा सो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा लॉ में क्या बोला है ये गाइडलाइन में क्या लिखा है उसके बारे में दो मिनट बोलना चाहूंगा तो नए कानून में लिखा है कि कोई भी कंपनी जोड़ने के लिए पैसा नहीं ले सकती नेट्सअप में भी जोड़ने के लिए पैसा नहीं लेगा रजिस्ट्रेशन फ्री होगा उसके बाद नए लॉ में लिखा है कि एवरी कंपनी हैज टू डिफाइन डिफाइंड यूजर एंड एरसलर हर कंपनी जो लोग जोड़ते हैं उसमें यूजर कौन है

जब तक लॉ नहीं तब तक चल रहे क्योंकि ये आप मैं जो बोल रहा हूँ ये कानून में लिखा है तो इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए थोड़ा नॉलेज लेना जरूरी है मैंने बताया कि लॉ तो लॉ में क्या लिखा है ज्यादा ही पेज इंग्लिश में हिंदी में पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कहाँ काम करना है कहाँ नहीं करना है सो so, यहाँ पे आप जुड़ जाते हैं समझो जुड़ने के लिए पैसा नहीं लगता आपको आज अच्छा लगा आप रजिस्टर कर दे नाम अभी कल जाके आपने दो लोगों को बुलाया दो लोग जुड़ गए आपने सिर्फ नाम रजिस्टर कर दिया लेकिन हो सकता है कि आपके टीम में कुछ लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किया ये पूरा के पूरा बिजनेस आपका जमा होता है कितने दिन नब्बे दिन इसको बोलते मतलब नब्बे दिन आपका बिजनेस जमा होगा सिर्फ आप नाम रजिस्टर कर दिए अभी यहाँ पे जैसा ही नब्बे दिन में फोर थाउजेंड प्रोडक्ट देखो ये हमारा परमानेंट सिस्टम है ऑफर जो है आज ऑफर सुनेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी रात भर जो एमडी से जो जुड़े हुए हैं उनको ये ऑफर बहुत अच्छा समझ में आएगा तो रेगुलर सिस्टम क्या इफ यू वांट टू अर्न मनी अगर हमको इनकम करना है तो हमको फोर थाउजेंड एम आर पी का प्रोडक्ट परचेस करना है फोर थाउजेंड एम आर पी कितने दिन में नब्बे दिन में अब ये नब्बे दिन में कर सकते या वन टाइम कर सकते अगर वन टाइम करेंगे तो आपको फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा मतलब चौतीस सौ रुपए तीन हजार चार सौ धीरे आपको फोर थाउजेंड का प्रोडक्ट मिल रहा है अगर हम वन टाइम नहीं कर सकते सो दो सो करते करते आप नब्बे कर सकते मिलेगा जैसे आपको का प्रोडक्ट प्रोडक्ट होगा ओन चॉइस ऐसा नहीं कि एक जो भी पैकेज लेना है बहुत सारी कंपनी में क्या होता है एक प्रोडक्ट पे ज्यादा डिस्काउंट एक प्रोडक्ट पे कम डिस्काउंट एक प्रोडक्ट पे ज्यादा भी एक प्रोडक्ट पे कम भी ऐसा क्यों होता है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट है नाम के लिए होता है फिलर होता है कुछ काम का होता है कुछ नाम का होता है इसलिए किसमें ज्यादा यानी के हर प्रोडक्ट खुद के हर प्रोडक्ट नेटसम ने बनाया तीन चार साल उसको एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट आए उसके बाद उसको लॉन्च किया तो ये प्रोडक्ट में हर जान दी है इसलिए कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं सबका डिस्काउंट सेम है तो फोर थाउजेंड एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस करेंगे आप नब्बे दिन में या वन टाइम आप एमडीएस बन गए आपके नीचे जो भी बिजनेस है ओ, आपको आपका पे आएगा ये हमारा परमानेंट सिस्टम है लेकिन दिल थाम के बैठ जाइए मैं आज आपको बोल रहा हूँ ये अक्टूबर महीने में कंपनी ने बोला है कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हैं जो शायद बिजनेस कर नहीं पाए या तो जिसको डिजिटल नॉलेज था उसने जूम में काम किया लेकिन जो लोग फिल्म में नहीं पाए गए कहा ना कहो पीछे तो ऐसे लोगों को वापिस हमको एक्टिव करने के लिए सपोर्ट करने के लिए कंपनी अक्टूबर महीने में जबरदस्त ऑफर लेके आ रहा है जैसा यहाँ मैंने बताया कि अगर हमको यहाँ पे इनकम करने के लिए फोर पड़ेगा उसके बाद अक्टूबर परचेस तो करने की जरूरत नहीं है अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट यूज किया सिंगल प्रोडक्ट परचेस किया मतलब आप जो भी आज सुन रहे हो आपको इस महीने का बेनिफिट है आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना नहीं है

ये महीने में अक्टूबर महीने का ये ऑफर है आप जो जिसके घर में जाएंगे वो हर एक आदमी को आप जोड़ सकते हैं उनको वो शुरुआत में बोले आप ज्यादा से ज्यादा करें नहीं कर सकते मिनिमम एक प्रोडक्ट आप लीजिए तो ये ऑफर के बारे में बैनर को मिल जाएगा सो so, यहां तक मैंने बताया और दूसरा ऑफर है ये अप्रैल के बाद के जैसा अप्रैल के बाद जो लॉगिन है ये उनके लिए ऑफर है मतलब अप्रैल जनवरी फेवरी मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर ये महीने में जो लोग जुड़े उनको ये ऑफर है आप बोलेंगे ऑफर दिया अगर कोई एमडीएस बनना चाहता है तो फोर था एमआरपी का प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है उसको पंद्रह हजार एम आर पी का प्रोडक्ट लेना है उसके ऊपर भी आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दिया सोचिए नॉर्मल क्या है फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड प्रोडक्ट में फिफ्टीन परसेंट लेकिन अभी कितना सो ओनली पंद्रह सौ रुपए का प्रोडक्ट है तो पंद्रह सौ रुपए के प्रोडक्ट में, आप 20 के आप so, में आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट बारह सौ रुपए सो अक्टूबर में आपको बोल रहा हूँ बिकॉज अभी लॉकडाउन uh, जैसे हम बोल रहे हैं कि मीटिंग्स नहीं कर सकते थे फिजिकली लेकिन लॉकडाउन का जो रेस्ट्रिक्शन था वो निकल गया बड़े बड़े मीटिंग हो रहे है इसलिए आप ये टूल का लेके आपका टीम बनाए सो so, ये ऑफर मैंने बताया अभी मैं जाऊंगा मेन पार्ट जैसे मैंने बताया कि को प्रेजेंट करेंगे तो नेटस को प्रेजेंट कैसा करना है तो आपको ये प्लान समझते समय एक बात ध्यान में रखना है कि एक बाजू में आपको नेट्सअप रखना है एक बाजू में दुनिया की पूरी कंपनियां एक बाजू में नेटसअप रखना है एक बाजू में आपकी दुनिया की पूरी देखिए दुनिया की पूरी कंपनियां बोल रहा हूं इंडिया की नहीं बोल रहा हो मैंने इनिशियली बताया कि ने, नेटवर्क मार्किंग चालू हुआ ने, चालू हुआ डायरेक्शन चालू हुआ अमेरिका से 1945 आज से 75 साल पहले दुनिया पूरे दुनिया में जितनी भी कंपनियां है उसमें वो नेटसर्प में क्या फर्क है ये मैं आज आपको बता रहा हूं तो सबसे पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट जो नेटसर्प में तो the only one company in the world, है तो इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड विश्व की एक ही कंपनी है जै ट्रांसपेरेंसी

कॉलम आता है टॉप ट्वेंटी फॉर पेउट हर क्लब के आप क्लिक करेंगे लिस्ट आएगा लिस्ट में किसी के नाम पे क्लिक करेंगे तो उसका हर साइकिल का हर महीने का हर साल का इनकम हुआ दिखता है सिर्फ इनकम नहीं दिखता गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया उसके टीडीएस सर्टिफिकेट में देखते मिलते मैं आपको चैलेंज के बोल रहा हूँ जितने भी नेटवर्कर यहाँ पे है मैं आपको एक चैलेंज देके बोल रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंपनी ढूंढ के दिखाइए जहां जूनियर सीनियर का इनकम देख सकता है एक भी कंपनी आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगी जहां जूनियर सीनियर का इनकम देख सकता है और जहां इनकम नहीं देख सकता है इसलिए वहां पे झूठ बोलते देखिए मैं देखता है बहुत से लोग एक लाख इनकम क्या दस लाख बोलते हैं दस लाख इनकम क्या एक करोड़ बोलते हैं शो बिजनेस करते कहां से तो गाड़ी इसका एक लाख का इनकम आया वो कहां से इंस्टॉलमेंट में मर्सरी ले लेता है शो करने के लिए लेकिन बाद में दो महीने में वो इंस्टॉलमेंट पेड नहीं कर पाता और गाड़ी चली जाती है जब गाड़ी देते तब तो फोटो डालते गाड़ी चली जाती है तो फोटो नहीं देते तो ये मैं आपको बुलाऊ कि माइनस पॉइंट क्या बोल रहा है वी आर द रीडिफाइनिंग कंपनी पूरे दुनिया में डायरेक्ट लिंक को सॉफ्टवेयर बना के दिया

आपने शायद नेटसप का नाम सुना है लेकिन जो भी ये प्लान सुनेगा आप नेटसप और अदर कंपनी में कंपेरिजन करेंगे आपको पता चलेगा कि नेटसअप जैसा कंपनी दुनिया में नहीं है तो पहला पॉइंट सेकेंड नो रिपर्चेस अभी देखिए मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा नेटसअप और, और अदर कंपनी में कंपेरिजन करना है नेटसअप में रिपर्चेस कंपल्सन नहीं अभी अदर कंपनी जितनी भी कंपनियां पूरे दुनिया में जितनी भी कंपनियां मैंने बताया

और सही चीजें बनाई तो दुनिया की हर कंपनी में आपको हर महीना प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है आप देख लीजिए मार्केट में ऐसे लोग हैं जो हर महीना में प्रोडक्ट परचेस करते हैं लाख रुपए का का चेक आया तो उसको प्रोडक्ट लेना, लेना पड़ेगा मैंने ऐसे लीडर को देखा है वो टॉप लीडर है लेकिन घर में इतना प्रोडक्ट पड़ा है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं और उनका हाउस नहीं वो हाउस नहीं उनका वेयर हाउस बन गया ऐसे बहुत सारी कंपनी में लोग सक्सेस क्यों नहीं पाते बिकॉज वहा कुछ ना कुछ सिस्टम गलत है देखो मैं जो बोल रहा हूँ मैं आपको समझना है वहां पे कंपनी बोलती है आपको हर महीना प्रोडक्ट लेना पड़ेगा अगर लेना पड़ेगा तो वहां उसको सिखाया है कि बेचना पड़ेगा वो बंदा बेचते 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 हर महीना ले रहा है बेच रहा है हर महीना ले बेच रहा है सेल्समैन बन गया इतना नॉलेज आया वो डॉक्टर बन गया लेकिन करोड़पति नहीं बन पाया देखो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या बोला है कि ये बेचने का बिजनेस नहीं है अगर प्रोडक्ट में जान है तो ये जो जुड़ेगा, वो, वो प्रोडक्ट उस कंपनी से खरीदेगा करके है। नेट कोई है। बहुत बड़ी बात है उसके बाद आपका चेक आ रहा है हर पंद्रह दिन में चेक आ रहा है मैंने कहा आठ लाख सोलह लाख आएगा हर पंद्रह दिन का आठ लाख आएगा फिर भी आपको एक रुपये भी प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है बहुत बड़ी बात है नो रिपर्चेस क्यों बिकॉज नेटसएप के प्रोडक्ट इतने अच्छे जो भी यहाँ जोड़ता है वही बिजनेस करे ना करे लेकिन तो no तो आप चैलेंज देखिए बोल सकते है जितनी भी कंपनी वहां प्रोडक्ट हर महीने खरीदना पड़ता है लेकिन यहाँ आप एक बार फोर थाउजेंड ले अभी ऑफर में तो एक ही प्रोडक्ट लेना है उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट भी लेने की जरूरत नहीं है आपका पंद्रह में आठ लाख महीने का सिक्सटीन लाख आएगा

उज के बाद 14999 आपको मिलता है 25% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट 15000 के बाद 29999 आपको मिलता है 25% डिस्काउंट एंड 30000 के बाद आपको मिलता है 30% डिस्काउंट जब आपका टोटल परचेस मिला मिला के 30000 होगा आपका डिस्काउंट रहेगा 30% परसेंट सो ये हमारा डिस्काउंट स्लैब है अब ये करना जरूरी नहीं लेकिन करेंगे तो ये ऐड होता जाएगा होगा स्पेसिफिक स्लैब में आपको स्पेसिफिक डिस्काउंट

कैरी फॉर होता है बहादुर कंपनी क्या होगा एक बाजू हो गया दूसरे महीने में अगर आपने किया तो एक महीने के बाद एग्जाम्पल बड़ा सिक्स थाउजेंड जरूरी होना चाहिए ये सौ रुपए भी हो सकता है दो सौ भी हो सकता है पांच सौ भी हो सकता है तो सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड हो गया ट्वेल्व थाउजेंड या ट्वेल्व थाउजेंड का थ्री परसेंट थ्री सिक्सटी अभी यहाँ पे मैं आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा देखिए मैंने आपको बताया सेवन पॉइंट आपको याद याद होना चाहिए आप यहाँ जुड़े, जुड़े हैं शायद आपको आज आप यहाँ सुन रहे हैं शायद आपको एक्सपीरियंस है नहीं एक्सपीरियंस है आपको कितना समझेगा आई डोंट नो बट ये बात आपको समझ में आएगी सेवन पॉइंट जो दुनिया की कोई भी कंपनी में नहीं है बिकॉज ये मैं बार बार रिपीट करूंगा जैसा मैंने पहला पॉइंट बताया ट्रांसपेरेंट या झूठ नहीं बोल सकते सेकेंड नो रिपर्चेस वैसा तीसरा पॉइंट है यूनिक सॉफ्टवेयर नेटसप का जो बिजनेस प्लान है सॉफ्टवेयर है पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ अभी ये यूनिक है तो पूरे दुनिया में क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा देखिए डायरेक्ट सेलिंग चालू हुआ 1945 1945 में अमेरिका से तो 1945 में अमेरिका में जो कंपनी आई इनिशियली जो कंपनी आई वो कंपनियां शुरुआत में जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते जनरेशन प्लान जितनी भी कंपनियां पूरे इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की बोल रहा हूँ

पूरे दुनिया में नाइनटी परसेंट जो, जो ये, अच्छा नहीं, 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 नहीं। ये विश्व की पहली कंपनी है जो अमाउंट को मैच करती है हर पंद्रह दिन में आपको कमीशन आता है एक से पंद्रह पंद्रह के बाद पंद्रह से तीस तीस के बाद हो सकता कि एक बाजू में एक बंदा जुड़ गया जिसने सौ रुपए का प्रोडक्ट परचेस कर दिया कर सकता है क्या कर सकता है बिकॉज भी है या तो नब्बे दिन में करना है तो ये हंड्रेड और यहाँ से हंड्रेड 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 टू हंड्रेड ये टू हंड्रेड का सीधा आपको मिलेगा थ्री परसेंट किसको मैच कर रहा है तो ये सीधा सीधा दोनों बाजू रुपीज को मैच कर रहा है अमाउंट को मैच कर रहा है आप चैलेंज देखिए बोल सकते पूरे दुनिया में जितनी भी कंपनियां है पचहत्तर साल में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां है 90 ये देती है ये पे देती है, तो ये ये पैसा देती देती पे तो अमाउंट को मैच कर रहा है तो नो बीवी, नो पीवी, नो सीसी, नो लैप्स, नो बीवी पीवी सीसी लैब्स आउट रुपीज को मैच करके उसके ऊपर कमीशन देने वाला सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं चैलेंज दे के बोल रहा हूं आप भी किसी को चैलेंज देके बोल सकते देखो नेटसअप ये टेक्नोलॉजी कंपनी है नेटसएप के पास सबसे बड़ी ताकत है सॉफ्टवेयर और आज तक 20 साल हुआ नेटसप को नेटसप जैसा सॉफ्टवेयर ना कोई बना पाया ना कोई बना पाएगा ना भूतो ना भविष्य नंबर वन कंपनी द वर्ल्ड तीसरा पॉइंट याद रखिए ये अमाउंट को मैचिंग करके कमीशन देता है ऐसा पूरे दुनिया में कोई भी कंपनी मिलेगा नहीं तो पहला ट्रांसपेरेंसी नो नोरीप थर्ड यूनिक बिजनेस प्लान हम आगे जाएंगे जैसा आपने किया था इन्होंने भी किया, किया। ये आपको भी मिला अब स्पिल होता है, स्पील है, है, है। लेकिन नेट ये अंदर के बाजू में भी दे सकते ओन चॉइस है जो नेटवर्क है उनको समझेगा खासियत क्या अभी ये स्पिल प्लान इज ऑलवेज बेटर जनरेशन प्लान मैंने आपको बताया कि पूरे दुनिया में 40 साल जनरेशन प्लान थे जनरेशन का प्लान का मतलब क्या सनफ्लावर प्लान बोलते हो मतलब एक आदमी डायरेक्ट किया दूसरा है है डायरेक्ट डायरेक्ट किया किया तीसरा वहां को ओपन करना है बारह को ओपन करना है सिक्सटीन को ओपन करना है उस प्लान में भाई भाई को भी सपोर्ट नहीं कर सकता है उनको इतने लाइन इतने लेग को मेंटेन करना पड़ता है सो so, ये स्पिल प्लान का खासियत क्या होता है यहाँ दो के बाद तीसरा नीचे आता है मतलब पूरे दुनिया में कम टाइम में ज्यादा पैसा कौन से कंपनी मिला है तो स्पिल पेन का ये मैंने बोल रहा रिकॉर्ड है तो स्पिल पेन इज ऑल बेटर अभी यहाँ हर पंद्रह दिन में सेम सेम अमाउंट मैच होगा देखिए यहां सिंपल पॉइंट मेन मेन पॉइंट में, में बता रहा हूँ यहाँ पे हर पंद्रह दिन में कमीशन मिलेगा जैसा एक बाजू में एक लाख का बिजनेस आया दूसरे बाजू में डेढ़ लाख आया तो एक लाख एक लाख ये दो लाख के ऊपर आपका कमीशन बन गया सिक्स थाउजेंड जो एक्स्ट्रा था फिफ्टी थाउजेंड हो गया कैरी फॉरवर्ड ऐसा हर पंद्रह दिन में सेम सेम अमाउंट मैच होके आपको पैसा मिलने वाला है अभी आगे जाएंगे चार नंबर पॉइंट देखो मैं वापस बोल रहा हूँ पे देखना अगर को समझना है यूएस पे याद हो गए ना हंड्रेड परसेंट आप नेटसअप कोई भी कंपनी से कंपेरिजन करिए आपको नेट्सअप जैसा सिस्टम कहाँ नहीं मिलेगा देखो ये तो यूएसपी बताऊंगा अल्टीमेट में क्लोजिंग पॉइंट बताऊंगा नेटसअप में हर पंद्रह दिन में आठ लाख रुपए आता है

तो नेटसअप में प्रमोशन होता है टोटल इनकम पे याद रखिए नेटसअप में प्रमोशन होता है टोटल इनकम पे दुनिया की हर कंपनी में प्रमोशन होता है रैंक पे वहां पे होता है रैंक डायरेक्टर है सिल्वर डायरेक्टर है गोल्ड डायरेक्टर है डायमंड है क्राउन है यूनिवर्सल क्राउन है अभी वहां पे अगर आप सिल्वर से गोल्ड में गए कंपनी बोलती है प्रमोशन हो गया अभी वहां पे सिल्वर से गोल्ड में गए प्रमोशन हो गया वहां भी वन परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा जैसा से प्रमोशन के बाद चार परसेंट मिल रहा है एक्स्ट्रा मिल, मिल रहा है उसका नाम है मेंटेन इनकम मतलब आप गोल्ड डायरेक्टर बन गए तो गोल्ड डायरेक्टर को मेंटेन करने के लिए आपको साइड बिजनेस मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस मेंटेन करेंगे नहीं तो जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो नहीं मिलता है वापिस आप नीचे जाएंगे ध्यान देखिए ध्यान समझिए फर्क क्या दूसरे कंपनी प्रमोशन होगा बिजनेस मेंटेन करना पड़ेगा कंडीशन है नहीं तो आपका इनकम कम होता है आप देखिए बहुत सी कंपनी में आपको लोग चेक दिखाते मेरा महीने का इनकम एक ए महीने का इनकम है अगर चेक का डेट देखेंगे तो वो चेक दो साल पुराना है बिकॉज एक बार उसका इनकम अच्छा आया था लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाया इनकम नीचे आया सब में कोई रैंक नहीं कोई मेंटेन्स नहीं देखिए आपका इनकम फिफ्टी थाउजेंड हो गया पचास हजार हो गया तो हो गया जो थ्री परसेंट था वो बन गया फोर परसेंट अभी आपका फिफ्टी थाउजेंड इनकम हो गया दो महीना बिजनेस नहीं आया जुड़ाया नो प्रॉब्लम दो महीने के बाद जो भी आएगा जितना भी आएगा आपका सौ रुपए भी आएगा तो आपको फोर परसेंट कमीशन मिलेगा वापस आप थ्री परसेंट कमीशन में कभी नहीं जाएंगे चौथा पॉइंट याद रखिये या प्रमोशन होता है टोटल इनकम पे रैंक पे नहीं है तो यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है इसीलिए रैंक नहीं इसलिए यहाँ इनकम कम नहीं होता एक बार फोर में गए तो फोर ही मिलेगा थ्री पे कभी नहीं आएंगे तो चौथा पॉइंट आपको याद रखना है one company, the world, प्रमोशन के नहीं, होता है। मैं आज आपको बोल रहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है मेरे से बात करवाइए मैं देखना चाहता हूँ दुनिया की कोई कंपनी में है आज तक इतने साल में ना कोई दिखा पाया ना कोई दिखा पाएगा सो नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन ये फोर नंबर पॉइंट आगे अभी जो फोर परसेंट मैं हूं परसेंट देखिए दोनों बाजू में है, टीम लाख, वन 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 टू करता है कभी कभी हो सकता है, नहीं करता है. हो सकता है कि में आप दोनों बाजू काम करें लेकिन हमारा वर्किंग पैटर्न है जैसा आपका इनकम फिफ्टी थाउजेंड होगा कितना ध्यान सुनिए इस बात को जब आपका टोटल इनकम फिफ्टी थाउजेंड होगा हो सकता है कि आपका टीम बढ़ रहा है तो यहाँ टीम इम्पोर्टेंट है लोग इम्पोर्टेंट है खर्चा बिकॉज इस बिजनेस में खर्चा करना पड़ता है जैसे आज हम काम करते तो छोटे छोटे ऑफर लगाते हैं महीने में वैसे आप भी सीनियर बनते आप भी ऑफर लगाते जो लोग काम करते तो जैसा आपका फिफ्टी इनकम होगा उसके बाद एक बाजू का पूरा जिम्मेदारी आपका सीनियर लेगा मतलब आपको वहां पे एक बाजू में ध्यान देना एक बाजू का जिम्मेदारी सीनियर का होता है पैटर्न है जो आप सीनियर बनेंगे आपको समझ में आएगा तो आपको यही देखना कि मैं जो जिम्मेदार लेगे वहां से कितना बिजनेस दे रहा हूँ और मुझे कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है देखिए जैसा आपका फिफ्टी हो गया आपका जो फोर परसेंट था वो थ्री परसेंट था वो बन गया 4%, एक बाजू ने कर दिया एक बाजू आप देखो वन लाख वन लाख टू लाख पे आपका फोर परसेंट कमीशन आठ हजार आया एक लाख पे आपको आठ हजार इज नॉट अ फोर परसेंट अट परसेंट एक लाख पे आठ हजार मतलब आपको समझना दोनों बाजू मिला के कंपनी बोलती है एक्चुअली में

फाइव परसेंट बन गया सिक्स परसेंट तो वहां पर देखिए टीम, टीम वन लिया, वन लाख टीम वन वन टू वन लाख टू लाख टू लाख का सिक्स परसेंट ट्वेल्व थाउजेंड यहाँ भी देखिए एक बार जो आपने बिजनेस किया एक लाख पे आपको कमीशन है बारह हजार अभी यहाँ पे आपको देखना है पांच नंबर का यूएस पे देखो जितने भी नेटवर्क है अगर आप नेट इसी इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं तो ये समझना जरूरी है कौन से कंपनी का प्लान में कितना बिजनेस के बाद कितना कमीशन आएगा कितना बिजनेस देने के बाद कितना कमीशन ये कैलकुलेशन आपको समझना है अभी नेटसर ऐसा कंपनी है जहां कम से कम टर्न में ज्यादा कमीशन मिलता है क्यों? तो ये पांचवा पॉइंट आपको समझना है देखिए जितने भी यहाँ नेटवर्क में आपको बोलना चाहूंगा आज मार्केट में 90 परसेंट कंपनियां जनरेशन में जितनी भी कंपनियां जनरेशन में जनरेशन में एक सिस्टम क्या होता है कि जितना लेवल नीचे जाएगा उतना कमीशन कम हो गया मतलब जनरेशन का प्लान कैसा होता है शुरुआत में आप पहला लेवल पे आदमी जुड़ा उसके ऊपर पांच पर्सन मिलेगा सेकंड लेवल पे आएगा चार मिलेगा जीरो पॉइंट फाइव ये निचे, निचे 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 कम होता है में काम किया, जितना गैप रहेगा उतना कमीशन कम होगा मतलब आपका सो लोग एक लाइन एक पे है कोई भी कंपनी आप लीडर बन गए आपके नीचे सौ लोग एक लाइन पे सो लोग के नीचे एक आदमी ने एक लाख का इन्वेस्ट किया आपको मिलता है जीरो पॉइंट फाइव पांच सौ रुपया

सो so, मैं क्यूँ बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के लिए बोल रहा हूँ यूएसपी यहां है तो पांचवा पॉइंट है यहाँ पे कमीशन बढ़ता है इसे नेटसो में जैसे सीनियर बनेंगे कम टन में आपको ज्यादा कमीशन बनता है तो ये कमीशन हुआ अपटू ट्व परसेंट दूसरे कंपनी में क्या होगा जीरो पॉइंट फाइव होगा यहाँ पे बढ़ रहा है अभी एक कमीशन हो गया इसको बोलते हैं टन ओवर कमीशन इसको बोलते हैं टन ओवर कमीशन देखो मुझे अल्टीमेट आपको ये दिखाना है की नेटसो में हर पंद्रह दिन में आठ लाख इनकम आता है तो आठ लाख इनकम के लिए नेटसो में कितना बिजनेस देना पड़ेगा दुनिया की हर कंपनी में कितना बिजनेस देना पड़ेगा यही हमको देखना है सीधी दे तो दुनिया की हर कंपनी में कमीशन कम होता है इसलिए दूसरे कंपनी में सीनियर अब बनेंगे तो ज्यादा बिजनेस कमीशन कम नेटसो में जब सीनियर बनेंगे कम बिजनेस में ज्यादा कमीशन आएगा अभी एक कमीशन हुआ परसेंट अभी हम देखें यहाँ

लेकिन जरूर नहीं कि वो ज्यादा पैसा कमाएगा तो वो यहाँ पे जनरेशन इनकम है अगर आप है आपने डायरेक्ट जितने भी जोड़े उनके इनकम का पंद्रह परसेंट बहुत बढ़िया अमाउंट है मतलब आपने एक अच्छा आदमी जोड़ा वो हर पंद्रह में आठ लाख कमा रहा है महीने का सिक्सटीन लाख कमा रहा है वो सिक्सटीन लाख का पंद्रह परसेंट आपको मिलेगा तो सिक्सटीन लाख का पंद्रह परसेंट आपको मिलेगा दो लाख चालीस हजार आप सोचिए एक आदमी आपको महीने का दो लाख चालीस कमा के दे सकता है मतलब आपका सीनियर है उसके चार डायरेक्ट है लेकिन आपके चालीस डायरेक्ट है तो पहले महीने में आपके सीनियर से चार गुना आपका इनकम आ, आ सकता है तो नेट्सअप में ये स्पॉन्सर इनकम दिया है देखो जितने भी डायरेक्ट है उनके इनकम का पंद्रह परसेंट टर्न ओवर का नहीं है का ये तो शायद कम होता है ये इनकम का आया हुआ पैसे का पंद्रह परसेंट तो ये बहुत बड़ी बात है मतलब नो सीनियर नो जूनियर तो फर्स्ट जनरेशन जितने भी डायरेक्ट में है एग्जाम्पल दस पकड़े जरूर दस नहीं सो भी हो सकते हैं तो आपके जितने भी डायरेक्ट है उसका पंद्रह परसेंट डायरेक्ट मतलब आपने क्यों रहा हूं? यहाँ पे आपका एवरेज कोई आदमी काम के लिए दस पंद्रह तो कर लेता है कोई आदमी कुछ नहीं करता है फिफ्टी नहीं करता फिफ्टी करता है इसमें एवरेज को पांच पकड़ा हो दो सौ पचास लोग के डायरेक्ट डायरेक्ट उनके इनकम का दस परसेंट फोर्थ जनरेशन ये 250 ने पांच पांच कर दिया 1250 तो ये ऐसा अप टू जनरेशन इनकम है मतलब यहाँ दो कमीशन है टनवर कमीशन जनरेशन कमीशन जो भी नेटवर्क है अच्छी तरह से समझ में जाएगा समझ आएगा आपको अभी यहाँ दो इनकम है टनवर कमीशन और जनरेशन कमीशन अभी यहाँ पे मैं दोनों इनकम आपको क्लियर रखाऊंगा ये टर्नवर कमीशन है ये जनरेशन कमीशन अभी टनवर कमीशन जो मैंने बताया शुरुआत में तीन बाद में चार बाद में पांच बाद में छे अभी आप यहाँ पे आप काम काम स्टार्ट कर जैसा मैंने बताया कि इनिशियली आप दोनों बाजू काम कर सकते हैं के बाद आपका सीनियर एक बाजू जिम्मेदारी दो लाख बिजनेस आएगा पांच लाख आएगा दस लाख आएगा लेकिन एक टाइम आएगा पैंतीस पैतीस लाख आएगा अभी पैंतीस पैतीस लाख कितने दिन में आएगा देखो आज पे नए गाइडलाइन में लिखा है कोई भी कंपनी जो भी प्लान दिखाएगी वो प्रोजेक्शन प्लान नहीं दिखा सकती वट इज मीनिंग प्रोजेक्शन प्लान तो बहुत सारी कंपनियां ऐसा प्लान दिखाती है मार्केट में कि आप जुड़ गए आप इतने साल में इतने लाख जोड़ दिए इतने लाख में इतने करोड़ मिल गया और आपको हेलीकॉप्टर मिल गया मिलेगा लेकिन उस कंपनी में अभी तक हेलीकॉप्टर किसी को मिला नहीं उसको बोलते प्रोजेक्शन प्लान तो एज पर नॉर्म्स कोई भी कंपनी प्रोजेक्शन प्लान नहीं दिखा सकती है नए लॉ के आधार पे कोई भी कंपनी में अगर आप प्लान प्रेजेंट करेंगे तो वहां आपको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा कि ये आदमी हमारे कंपनी में है इतने दिन पहला जुड़ा था और इतने दिन में इतना पैसा वो कमाया इसका प्रूफ है आप भी कमा सकते दिस रियलिटी प्लान तो मैं यहाँ आपको प्रोजेक्शन नहीं दिखाऊंगा हमारे टीम में ऐसे बहुत से लोग है छह महीने में आठ महीने में पैंतीस पैंतीस लाख मेंटेन करते एक नहीं बहुत है तो आप भी कर सकते तो आप यहाँ एक बाजू में पैंतीस लाख कर रहा है एक बाजू आप कर रहे हैं पैंतीस लाख पहले महीने में आएगा नहीं आएगा शुरुआत में एक लाख आएगा दो लाख आएगा पांच लाख आएगा देखिए पैतीस पैतीस सेवेंटी सेवेंटी है शुरुआत में पचास हजार इनकम होने के बाद है लाख इनकम होने के बाद फाइव दस लाख इनकम होने के बाद सिक्स है मैं क्यों बिकॉज आपका पैतीस पैतीस पहले महीने में नहीं आएगा शुरुआत में आपका एक लाख आएगा बाद में दो लाख आएगा बाद में पांच लाख आएगा तब तक सब चेक मिला के आपका दस लाख क्रॉस होता है मतलब जितने भी लोग 35 पैंतीस लाख है तब तक उसका दस लाख क्रॉस होता है उस टाइम उसका चेक बन गया जनरेशन कमीशन भी है दो कमीशन टाइम मिलता है टनवर कमीशन है, है जनरशन कमीशन अभी टनवर बन गया चार लाख बीस हजार बट सेम टाइम पे ये बन गया तीन लाख तो आपका चेक आता है चार लाख बीस हजार टनवर कमीशन प्लस तीन लाख जनरेशन कमीशन ऐसा आपको आएगा सात लाख बीस हजार बट ये बन गया चार लाख बीस हजार और ये जनरेशन कमीशन बन गया 4 से 5 तो चार लाख बीस पांच लाख तो कितना होगा नौ लाख लेकिन यहाँ पे सीलिंग है आपको कैपिंग मिलता है आपका चेक दस लाख बने पंद्रह लाख बने आपका इनकम बनेगा हर पंद्रह दिन का आठ लाख आप बोलेंगे फिर आठ लाख ही कमाते क्या दिन में महीने में सिक्सटीन लाख नहीं उसके बाद आप ओसी बन जाते ऑर्गेनाइजिंग मेंबर उसके बाद आपको इंसेंटिव मिलते हैं सो आपको एक कैपिंग है सो आपका जनरेशन इनकम ज्यादा रहता है जितने भी लीडर्स है मैं हमेशा बोलता हूँ कि मिनिमम दस पंद्रह तो करेंगे सो का टीम बनेगा तो आपका जनरेशन ज्यादा ही बनता है लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका जनरेशन ये ज्यादा होगा चार लाख बीस हजार एट सेम टाइम ये बनेगा पांच लाख या बनेगा दस लाख अगर ये ज्यादा बनेगा तो चार लाख बीस डबल मिलेगा मतलब पैंतीस लाख पे ये चार लाख डबल हो गया तो आठ लाख मतलब सीधी बात है थर्टी लाख पे आपका पे आउट बनता है आठ लाख आज के बाद नेटसअप का प्लान दिमाग में डालिए अगर किसको आपको नेटसएप और अदर कंपनी में क्या फर्क ये समझाना है तो जितनी भी कंपनियां चैलेंज पूछिए मैं क्या बता रहा हूँ में, में वहां पे एक सीनियर को बोलना सर आपके कंपनी में आप सीनियर बन जाएंगे क्यों सीनियर क्यों बोल रहा सीनियर जैसा बनेगा कमीशन कम होगा हो सकता है शुरुआत में ज्यादा मिलता है लेकिन जैसा सीनियर बनेगा वैसा कमीशन कम होगा लेवल कमीशन या गैप कमीशन तो वहां उनको एक सर आपके कंपनी में आप ये का बहुत बड़ा भूल बोले है मैं आपको बोल रहा हूँ वो बीवी को रुपए में कन्वर्ट करके देखिए मैं आपको चैलेंज बोल रहा हूँ मार्केट में जितनी भी कंपनी है प्रोडक्ट कैलकुलेशन करके देखिए वहां पे आप सीनियर बनने के बाद आठ लाख कमाने के लिए एक करोड़ दो करोड़ तीन करोड़ चार करोड़ पांच करोड़, बंगाल में मिलता है। शादी नहीं थी, मैं एक साल कोलकाता में था ये मेरा होम ग्राउंड है इसीलिए मुझे अच्छा लगता कोलकाता में मैक्सिमम टाइम में रहता हूँ यहां से ऑल इंडिया में काम फैला है सो so, 2014-15 में कोलकाता आया तेरह चौदह में शारदा कंपनियां बन हुई बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के लीडर मुझे मिले मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बिकॉज आज भी मार्केट में बहुत से लोग है वेस्ट बंगाल में बहुत से लीडर बोलते हैं वो बोलता है सर हम मनी मार्केट लोग हम ही प्रोडक्ट मार्केट को वैसा कम है उनको मनी मार्केट में ज्यादा पैसा इसलिए मनी मार्केट में रिस्क लेके काम करते हैं कॉइन में काम करते लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे सब लीडर को बोलिए नेटस ऐसा कंपनी है वो मनी मार्केट से इन्वेस्टमेंट से कॉइन से सबसे ज्यादा पैसा देता है उनको सीधा क्वेश्चन करिए सर आप इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं अगर आप टॉप सीनियर है आपके नीचे सौ लोग जुड़ गए लोग के नीचे एक आदमी ने लाख का इन्वेस्ट किया आपको कमीशन कितना मिलेगा देखो तो इन्वेस्टमेंट के बहुत लीडर से लीडर्स है नाम सुना सुनाट सब का प्लान मालूम ने आपको चैलेंज बोल रहा हूँ आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में सीनियर है सीनियर एक लेवल में एक लाइन पे सो लोग जुड़ गए सौ लोग के नीचे एक आदमी ने एक लाख का बिजनेस दिया आपको कमीशन कितना मिलेगा गैप कमीशन जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव आधा परसेंट एक परसेंट यहाँ देखिए आप सीनियर है आपके नीचे सौ लोग के नीचे एक आदमी ने एक लाख का बिजनेस डाला आपको मिलता है ट्वेंटी फोर परसेंट किसी को उसके लैंग्वेज में समझाइए कि नेट सब नेटसए काम करेंगे गैप कमीशन चौबीस परसेंट है रात भर नींद नहीं आएगी बस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ये क्यू पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे कमीशन बढ़ता है दुनिया की हर कंपनी में कमीशन कम होता है सो सब एक ऐसी कंपनी जो मैक्सिमम कमीशन आपको देती है तो आपको मैं यही क्लोजिंग पॉइंट बताऊंगा कि नेटसोम में पैंतीस लाख पे आठ लाख मिलता है दिस क्लोजिंग पॉइंट सो छह नंबर पॉइंट है तो 24 और सात नंबर है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान जब आपका दो लाख इनकम होता है आपको तीन लाख का मेडिकलेम मिलता है पांच लाख का नेचुरल इंश्योरेंस मिलेगा दो से पच्चीस लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा दस लाख लॉयल्टी बोनस मिलेगा आफ्टर ईयर और लास्ट नॉमिनी फैसिलिटी तो ये फेमिली प्रोटेक्शन कहा क्यों दे एक मैंने है करते उसमें इस नेटवर्क मारिंग के लीडर का भी करेंगे जब आपका इनकम दो लाख होगा तो ये इंश्योरेंस मेडिक्लेम मिलता है इसका आप वैल्यू निकालिए तो नेटसप ये ओनली वन कंपनी इन दर्ल्ड विश्व की कंपनी है लिए प्रोटेक्शन प्लान मिलता है देखो नेटवर्क मार्गिंग में छोटी मोटी कंपनी में काम मत करिए मैं क्यों कर रहा हूँ मनी वाइल स्लीपिंग आपके बाद ये पूरा पैसा आपके नॉमिन को मिलेगा लेकिन कौन से कंपनी मिलेगा जो कंपनी आपके बाद भी इस दुनिया में रहेगी अब ऐसे कंपनी में काम करते हैं कि आप इस दुनिया से जाने से पहले एक कंपनी है दुनिया से चला जाती है

बहुत लोगों लोग मिलेंगे आपको हाँ नेट सब जानी किचू जानी ना नेट सब मालूम है कुछ मालूम नहीं वो कोई ना कोई इसको जोड़ दिया था छोड़ दिया था सिर्फ जोड़ के बिजनेस नहीं होगा बिजनेस प्लान समझाना है कैसा उसमें सबसे अच्छा सीरियस ले तो ऐसे लीडर्स को जो नेट सब को जानते हैं सुना है उसको इस मेरे झूम मीटिंग में लेके आई और मैं आपको कमिट कर रहा हूँ बीच में ये गैप हुआ लेकिन ये छह महीने में हर दिन हम ये जूम मीटिंग करेंगे सो जितने भी लीडर्स है उनको कॉलिंग करना है एवरीडे ये सेवन पॉइंट प्रेजेंट करना है

बोलेंगे तो ये आप नीचे जाएंगे और आपका लॉस होगा सो डू नॉट लेट स्टार्ट ना लास्ट मैं आज आपको एक बात बताऊं मार्केट में बहुत से लोग हैं चेक दिखाते हैं और बड़ा बड़ा चेक देख के हम भी प्रलोभन में आते हैं लोभ में आते हैं और बाद में फंसते मैं आज आपको बता रहा हूं आज के बाद एक बात याद रखना है आपको कोई भी कंपनी में अगर लीडर चेक दिखाता है सोच लो जो झूठ बोलता है मैं आपको एक बात बताऊ कोई भी कंपनी का पैसा बैंक में आएगा तो टीडीएस काट के आएगा

ईमानदारी ईमानदारी एक और एकमानदारी है, है मेहनत करेंगे एक साल में आपके सपने पूरे होंगे ये मेरा टी डी एस सर्टिफिक दिखा रहा हूँ जब मैंने काम स्टार्ट किया था दो हजार चौदह पंद्रह में ये मैं क्यों दिखा रहा हूं मुझे कोई एक्सप्रियस नहीं था अगर मैं कर सकता हूं तो यहाँ सुनता हुआ हर एक आदमी कर सकता है

3, 52, 82, 3, 267, 35, में वाले। so, दो साल में हजार होगा हजार लोगों का लाइफ बनता है बिकॉज ये प्रूव वन फॉर्मूला है अगर आपके पास सपने सिस्टम से काम करिए हमारा ट्रेनिंग आपको मिलता रहेगा आपके सपने पूरे होंगे सो so, ये आज का मीटिंग में यहां खत्म करूंगा और आखिरी में जो मेंटर है देबू सर उनको वापस में बुलाना चाहूंगा जिसको कंपनी बोलते हैं पावर हाउस जिन्होंने मेरे साथ काम किया वेस्ट बंगाल में आज ऑल इंडिया में काम चल रहे हैं, और एनर्जी ऐसा है जबरदस्त एनर्जी है तो वो आ, सर और हम मिलकर पूरा वेस्ट बंगाल में काम करे सो so, उनका शेयरिंग में दो मिनट आपको वापिस उनको बुलाना चाहूंगा सो so, uh, देबू सर थैंक यू वेरी मच और एक मिनट नमस्कार ऑल लीडर्स सर ने ऑलरेडी बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों को पूरा प्लान ऑलरेडी दे चुका है तो अभी हम लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना जरूरी है थोड़ा सा काम मतलब क्या जो न्यू गेस्ट है मैं उनको बताना चाहूंगा आपका खुद का जो केवा है वो के आप दे दीजिए और आपका लॉगिंग हो जाएगा लेकिन मैं आपको एक डिटेल्स बताना चाहूंगा एक इतिहास रच दिया नेट साहब ने जो आप लोगों को शायद मालूम नहीं है अभी आपको जो लॉगिंग करना है और आप नेट साहब से जुड़ना चाहते हो तो आपको आपका डिटेल्स देने का अभी जरूरत नहीं है लेकिन आपका लॉगिंग हो जाएगा कैसे इंडिया का पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटसब नेटवर्क विथ आधार कार्ड लॉगिंग आज से शुरुआत कर दिया है विथ आधार कार्ड आप सिर्फ आपका आधार कार्ड नंबर बताओ ऑटोमेटिक आपका पूरा आधार गवर्नमेंट का आधार लिंक के साथ कनेक्टिंग करके पूरा आपका डाटा कंपनी ले लेगा और पूरा लॉगिंग आपका हमारे यहाँ पर आपका पूरा घर का एड्रेस के साथ आधार में आपका फोन नंबर लिंक है तो विध फोन नंबर आ जाएगा पैन कार्ड लिंक है तो विद पैन कार्ड आ जाएगा सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा और आपका लॉगिंग डन हो जाएगा आपको सिर्फ आपका नोमनी नेम और रिलेशनशिप आपको बताना है मतलब सोचिए इतिहास हमेशा दोस्तों इतिहास रास्ता है तो अब मैं आपको बताऊंगा तो जल्दी से जल्दी आप आपका आधार नंबर दे दीजिए जो आपको इनवाइट किया और आपका लॉगिंग हो जाएगा और वहां से आपका बिजनेस शुरुआत हो जाएगा और आपको करना क्या है आपका आईडी आईडी एमबीएस करने के लिए अब इस महीने में इक्कीस साल का नेट साहब इतिहास में जो ऑफर नेट ने नहीं दिया वो ऑफर दोस्तों आज आप सबको दे दिया ओनली ओनली वन प्रोडक्ट परचेस करके भी आप आपका आई डी सब एम डी कर सकते हैं वन प्रोडक्ट आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए मिनिमम नेट साफ का एक नेचुरल मोड आप ले सकते हैं एक डेंटल पेस्ट ले सकते हैं एक शैंपू ले सकते हैं उससे भी दोस्तों आपका बिजनेस शुरुआत हो सकता है वो प्रोडक्ट आपको एमआरपी में मिलेगा लेकिन मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट का बेनिफिट दोस्तों लो उसके लिए कंपनी अलग से ऑफर दिया है आप पंद्रह का प्रोडक्ट लेते हो एक साथ जैसे आप कंपनी का दो तीन चार साढ़े चार हजार पे करेंगे छह हजार का प्रोडक्ट मिल जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट एंड तीसरा ऑफर दस हजार का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो थर्टी परसेंट डिस्काउंट पे करेंगे सात हजार प्रोडक्ट मिलेगा दस हजार का एंड लास्ट ऑफर हजार का डिस्काउंट आप पे करेंगे और आपको ऑन चॉइस पंद्रह हजार का जो भी मैंने ऑफर बताया पंद्रह से शुरू करके ऑल प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट आप आपके हिसाब से चॉइस कर सकते हो दोस्तों मतलब धमाकादार कंपनी ने इस पर ऑफर दिया तो मेरे हिसाब से आपको लॉग इन करने के लिए सोचने का जरूरत है क्या किसी को पूछने का जरूरत है क्या एक डेंटल पेस्ट लेने के लिए भी घर का परमिशन जरूरी है क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं घर में पूछ के बताऊंगा मैं मेरा वाइफ से पूछ के डिसीजन लूंगा मैं मेरा हस्बैंड से डिसीजन लेके पूछ के, के डिसीजन लूंगा एक सैंपल लेने के लिए भी डिसीजन पूछना पड़ेगा क्या हाँ एक डेंटल पेस्ट लेने के लिए पूछना पड़ेगा क्या नहीं तो मेरे हिसाब से का दोषो का दोषो है जो हमारा गेस्ट है उसको तुरंत उसका आधार कार्ड देना चाहिए लॉग इन करना चाहिए और आज ही आई टी एमबीएस करके बिजनेस को शुरुआत करना चाहिए और काल का जो जूम मीटिंग रहेगा कल का जूम मीटिंग में आपको आपको मिनिमम पांच पांच गेस्ट को इनवाइट करना है ऐसा प्लानिंग करिए आपका सीनियर के माध्यम से जो आपको सेमिनार मिलेगा वो अलग है और हमारा तरफ से आपको एवरीडे रात को साढ़े आठ बजे सेमिनार मिलेगा जो आपका बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल में हम लोग लेके जाएंगे और जब तक हम लोग इंटरनेशनल एक्टिविटी शुरुआत नहीं कर रहे तब तक पूरा इंडिया में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा ऐसा कोई पिन कोड नहीं रहेगा जहां पर आपका बिजनेस को शुरुआत नहीं कर सकते हर जगह पर दोस्तों शुरुआत कर सकते हैं अभी हमारा दुर्गा पूजा है आपको मालूम है इस जो नॉर्थ ईस्ट जोन दुर्गा पूजा में कितना ज्यादा होता है हम सबके घर में जाएंगे रिलेटिव हमारा घर में आएगा तो जो भी रिलेटिव आएगा क्या जिसके रिलेटिव के घर में हम जाएंगे उसको छोड़ना चाहिए क्या नहीं छोड़ना चाहिए हर घर में हमको सेहत बरकत और मुस्कुराहट मतलब नेट साहब को पहुंचाना है तो ऐसा ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से हम लोग हमारा पूरा

सोचिए कितना बन जाए एक आदमी ने तीस तीस का बिजनेस किया थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड साठ हजार का बिजनेस किया कंपनी की तरफ से बेसिक कमीशन तीन परसेंट बोनस तीन परसेंट कितना हो गया छह परसेंट छ प्लस छ कितना बारह परसेंट उसके साथ ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा पे आउट आप सिर्फ छह हजार का बिजनेस ट्वेंटी परसेंट तीस हजार का, का, का. तो तो सोचिए कितना बार आपको बोनस का बेनिफिट मिल रहा है उसके साथ आपने थर्टी थाउजेंड किया तो कंपनी की तरफ से वन डे का ट्रेनिंग भी आपको मिलेगा एक अच्छा होटल में दोस्तों विद सर्टिफिकेट कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा मतलब सिर्फ 30000 का बिजनेस में कितना सारा बेनिफिट दोस्तों आप मिल रहा है सोचिए इतना सारा बेनिफिट तो अभी तक तो कोई भी नहीं दिया कोई सोच भी नहीं सकता है तो मैं आप सबको इतना ही बताऊंगा हमारा बिजनेस को जल्दी से जल्दी शुरुआत करिए और इसका बेनिफिट आप लीजिए आपका टीम को दीजिए और जो अस्मिता है जो लेडीज हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग अस्मिता बोलते हैं उसके लिए तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी ने ऑफर लेके आया आपसे पंद्रह हजार का रिटेलिंग करते हैं आपका बिजनेस होता है पंद्रह हजार का सेल आईडी में तो कंपनी के तरफ से आपको एक लेडीज पार्ट लेडीज एक बैग जो है वो आपको गिफ्ट मिलेगा और आपने तीस हजार का बिजनेस करते हैं तो कंपनी के तरफ से अलग से

जो हम लोग डिजिटल के माध्यम से एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करे उसके साथ साथ तो फिजिकल जो हम लोग काम कर रहे हैं वो तो हम लोग दोस्तों कर ही रहे तो इतना देर तक हम लोग हम लोगों को झीलने के लिए हम लोगों को, लो को अच्छा से सुनने के लिए एकदम हम की तरफ से सबको सबको थैंक यू एंड नमस्कार गुड नाइट शुभ रात्रि एंड कल दोबारा साढ़े आठ बजे हम लोग मिलेंगे कल का मीटिंग का, का लिंक आपको मिल जाएगा लेकिन लिस्ट करो जो आपका कौन कौन लोग आया मीटिंग में चेक करो आपका आदमी आया क्या नहीं आया और जो जो जिन्होंने आपने आज गेस्ट बुलाया ये मीटिंग खत्म होने के बाद इसको कॉल जाना चाहिए अभी उनको कॉल करिए उनको पूछिए जो मीटिंग कैसा लगा क्या डाउट है कुछ क्वेश्चन है कुछ भी है तो दोस्तों मैं चाहता हो, आज रात को, आप को शुरुआत करिए और सुबह उठ के सबका आईडी एमडीएस हो जाएगा ऐसा प्लानिंग करिए क्योंकि हमारा ऑनलाइन सिस्टम चालू है अभी चाहेगा तो अभी ऑनलाइन में लॉगिंग हो जाएगा उसके मोबाइल में लिंक आ जाएगा स्टॉक आप उसको लिंक भेज सकते हैं क्या उसको ऑनलाइन प्रोसेस बता सकते हैं फोन पे गूगल पे पेटीएम कहाँ से भी वो पेमेंट कर सकता है सिर्फ पेमेंट करने का इच्छा होना चाहिए लेने के लिए हमारा पास हर इच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इतना ही बोलूंगा जो सबको बिजनेस को शुरुआत करिए और कल सबका बोनी होना चाहिए सबका ओपनिंग होना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस है बॉस तो बिजनेस में हमने टाइम दिया तो उसका बेनिफिट होना चाहिए तो कल सबके तरफ से जो हमारा डायरेक्ट सेलर है सबका तरफ से बोनी होना चाहिए मिनिमम एक एक करके एमडीएस होना चाहिए एंड दोबारा साढ़े बजे कल मिलेंगे थैंक यू नमस्कार एंड सबको ऑल द बेस्ट थैंक यू टेक केयर